हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने सबसे पहले थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि 1 मिनट में हिंदी की टाइपिंग सीखें। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि 1 मिनट में हिंदी की टाइपिंग को कैसे सीख सकता है। इसके लिए तो लोग इतने इतने कोर्स करते हैं, मतलब हैरानगी की बात होगी कि 1 मिनट में कैसे कोई सीख जाएगा, हमें तो कुछ भी नहीं आता। दोस्तों, यकीन मानना, अगर आपको बिल्कुल भी हिंदी की टाइपिंग नहीं आती, तब भी आप सिर्फ 1 मिनट में हिंदी की टाइपिंग सीख जाओगे, गारंटी से कह रहा हूँ। पर इसके लिए कुछ नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखते रहना। मैं आपको फिलहाल अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ, आप देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कि कैसे करना है। अभी हम लोग मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जिस तरीके से मैं हिंदी में टाइपिंग करने को बता रहा हूं, उसके लिए हमारे पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। हालांकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अपना एक ब्राउज़र ओपन करना होगा। मैं जनरली क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, ये ओपन होने के बाद हमें एक साइट टाइप करनी है, उसका नाम है indiatyping.com, जैसा कि ये ऊपर आ गया है। इस साइट पे हमें जाना है टाइप करने के लिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से साइट ये ओपन हो जाएगी। हालांकि इसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं, हिंदी के अलावा हम और भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं हिंदी की ही बात करूंगा क्योंकि मुझे वही आती है इसमें। उसके लिए जैसे हमारे पास ये साइट खुल गई है, हमें यहाँ होम पे जाके सबसे पहला ही ऑप्शन नज़र आएगा हिंदी टाइपिंग। हमें जस्ट इस पर आराम से क्लिक कर देना है तो हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स बना आएगा। ध्यान से देखिएगा, मेन चीज़ सीखने वाली यहीं पर ही है। हमें कुछ नहीं करना, साफ साफ यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश में टाइप करें, स्पेस दबाएं, या हिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपली इंग्लिश में हमें टाइप करना है, हिंदी के वर्ड्स ही हमें इंग्लिश में टाइप करना है। जैसे कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मेरा, ये सिंपली आ गया बिल्कुल, नाम कृष्णा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम लोग किसी और तरीके से लिखते हैं तो वो इसमें दिखाता किसी और तरीके से है। जैसा कि मैं ट्राई करके देखता हूँ कोई वर्ड, कई बार कुछ वर्ड्स हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें हमें दिक्कत आती है। जैसे कि मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ बिगड़, या फिर मान लो मुझे बिगड़ की जगह बिगाड़ लिखना है, बिगड़ जाएगा या बिगाड़ दूंगा या कुछ भी, व्हाटएवर। तो जैसे हम यहाँ पे एक बैक और दबाएंगे, हमारे पास कई सारे ऑप्शन यहीं पे खुल के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कई सारे ऑप्शन आ गए, बिगाड़, बिगड़, तो कई सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए इस तरीके से। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मेरा नाम कृष्णा है, बहुत ही सिंपली हमारे पास ये आ गया। अब जैसे हमें कुछ वर्ड लिखने होते हैं, है की जगह हैं लिखना होता है, जिसपे अंक की मात्रा होती है, तो हम यहाँ पे सिंपली है लिख देंगे। अगर हमें कुछ और लिखना है तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस भी नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। जैसे हम लोग नॉर्मली चैट करते हैं वही तरीका है, बस इसी तरीके से हमें यहाँ पे टाइपिंग करना है। इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं यहीं पे, और हम जाके वर्डपैड पे या कहीं पर भी जाके किसी भी जगह पे हम इसको पेस्ट करते हैं, हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कैसे ही इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया कि हिंदी में टाइप करना अब कितना आसान हो चुका है। एक वक्त होता था जब हिंदी की टाइपिंग के लिए कोर्सेज होते थे, इतना इतना टाइम, 3 3 4 4 महीने के कोर्स होते थे, इतना टाइम लगता था हिंदी की टाइपिंग सीखने में, साथ में इतना दिमाग मारना पड़ता था। लेकिन अब क्या रह गया, अब तो बस एक नॉर्मली एक चैट जैसे हम लोग करते हैं, उस तरीके से हम लोग हिंदी भी टाइप कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस सिंपल अपना तरीके से लिखा, ऐसी एज इट इज वो हिंदी में आ गया, वो भी कितना एक्यूरेट। आप चेक कीजिएगा कितने एक्यूरेट तरीके से ये काम करता है। तो जस्ट अब आपको हिंदी के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप खुद आराम से घर बैठे हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।